वेलकम टू आवर चैनल फंटा रिएक्शन। दोस्तों मेरा नाम अली इधर है, मेरा नाम वक्कार है। तो अभी सूर्यवंशम मूवी का सीन आ गया है। लास्ट सीन हमने देखा था, वो बस मतलब धो रहा था और उसकी वाइफ आ गई थी, जो पहले उससे नफरत करती थी, उससे काम करवाती थी, लेकिन वो भी मतलब वाइफ बन गई और बोल रही थी कि आप ये कैसे काम कर रहे हो, हमें बोलते हो कि हम बड़ा काम करते हैं लेकिन यहाँ मजदूरी कर रहे हो। तो लेकिन मूवी यार बहुत अच्छी है, कॉमेडी भी है और थोड़े बहुत मतलब उसमें अच्छे लेसन भी हैं। बाकी अभी देखते हैं कि आगे का सीन क्या है सूर्यवंशम मूवी का। यार इसके जो सीन्स हैं वो हमें मतलब सीन टू सीन नहीं मिल रहे, बस जो भी मिल रहा है यूट्यूब से आपके साथ ही देख रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा। बैठो बैठो मुनीम जी। जी मालिक। जब भी हम इन लोगों को देखते हैं हमारी वो अधमरी ख्वाहिश कराहती हुई नजर आती जो हमने इन गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल बनवाने की थी, न जाने हमारा वो सपना कब पूरा होगा। पूरा होगा मालिक, इस जिले के 18 गांव के लोगों के सपनों को आप साकार करते आए हैं, फिर आपके अपने सपने अधूरे कैसे रह सकते हैं। मालिक मालिक। क्या बात है आर्या? मालिक मेरी बेटी। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? अगले हफ्ते तो उसकी शादी होने वाली थी ना। अब उसकी शादी नहीं हो सकती मालिक। क्यों? किरणा ठाकुर ने। क्या किया केवड़ा ठाकुर ने? मेरी लुगाई केवड़ा ठाकुर के घर में काम करती है, कल यकायक उसकी तबीयत खराब हो गई तो मेरी बेटी कमली काम पर गई। पतिया की लौंडिया है? हाँ मालिक। तेरा ब्याह होने वाला है ना? हाँ मालिक। तुझे पता है सुहागरात क्या होती है? बिल्ली मारना किसे कहते हैं जानती है? मर्द को कैसे खुश किया जाता है कुछ पता है? मर जानिए नहीं पता, मुझसे सीख ले। इस काम में औरत को माहिर होना चाहिए, नहीं तो मर्द घर से बाहर निकाल देता है। चला जा। क्या वो लड़की कहाँ गई? खेतों की तरफ मालिक, कह रही थी कि पंचायत में शिकायत करेगी। अच्छा, आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया। यही फैसला है ना? कौन शादी करेगा मेरी बेटी से मालिक? मैं तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। मुनीम जी। जी मालिक। ये थाने में इंस्पेक्टर कौन है? कोई नया आया है मालिक। आप थाने जाइए और उनसे कहिए कि इनकी बेटी की शादी है, उसे छोड़ दें, बाद की कार्यवाही हम देख लेंगे। कौन है ये भानु प्रताप ठाकुर? एसपी है, डीएसपी है, कौन है? एसपी डीएसपी उन्हें सलाम करते हैं, इस कस्बे के बहुत बड़े आदमी और सरपंच है वो। मुझे ये खाकी वर्दी सरपंचों की मेहरबानी से नहीं मिली है, कानून की पढ़ाई करने के बाद मिली है। जाओ जाकर अपने भानु प्रताप ठाकुर से कह दो कि ये थाना है कोई पंचायती खेत नहीं, जहां वो अपनी मर्जी का हल चलाए फसल बोए, समझे? देशराज ठाकुर। ठाकुर साहब, कोई ठाकुर भानु प्रताप का आदमी आया था इस लड़की की जमानत के लिए। अच्छा,
आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया। मैंने लड़की को नहीं छोड़ा। अरे मर जानिया छोड़ना भी नहीं, मुंह मांगी रकम दूंगा। अरे सुन, अरे मर जानिया सुन ना, बासमती चावल, मसूर की दाल और एक देसी घी का डिब्बा तेरे घर भिजवा रहा हूँ। ठाकुर साहब आप बेफिक्र रहिए, ये लड़की इस थाने में ही सड़ेगी। कौन सा कानून पढ़कर आए हैं आप? क्या जानते हैं आप कानून के बारे में? देखिए आप मुझे, अंडर द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 47 क्लॉज 2, सेक्शन 51 क्लॉज 2, सेक्शंस 50 एंड 57 एंड अकॉर्डिंग टू अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 1983, अगर किसी महिला पर कोई मामला बनता है तो उसे जनाना पुलिस गिरफ्तार करती है और जनाना पुलिस उसकी तलाशी लेती है। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। गिरफ्तार की हुई महिला को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाता है। आपने ऐसा किया? नहीं किया। किन्हीं वजहों से अगर उस महिला को अदालत में पेश नहीं किया जाता तो उसे जलाना, लॉकअप में बंद किया जाता है। आपने ऐसा किया? नहीं किया। और आप ये कहते हैं कि ये वर्दी आपको कानून पढ़ने के बाद मिली है? कौन से कानून का प्रोफेसर समझ कर पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको यह वर्दी दी है? कौन सा कानून? कौन सा कानून? मुनीम जी। जी मालिक। एसपी साहब को फोन लगाइए। जी मालिक। इंस्पेक्टर साहब, एसपी साहब का नंबर देंगे? 3 3 9 5 2। हेलो एसपी साहब, एक मिनट साहब। मालिक। एसपी साहब, हम ठाकुर भानु प्रताप सिंह बोल रहे हैं। ठाकुर साहब आप फोन लग गए, कैसे याद किया मुझे? पहुंचे हमारे कस्बे में बने आपके थाने के इंस्पेक्टर साहब हमें कानून पढ़ा रहे हैं। आप थाने से बोल रहे हैं? जी हाँ, बहुत किस्मती से। ठाकुर साहब फोन इंस्पेक्टर को दीजिए। मुनीम जी। यस सर। बदतमीज, वो शख्स जो तुम्हारे सामने बैठा है अपने आप में हाई कोर्ट है। अब कोर्ट को थाने में नहीं बुलाया जाता, वो जैसा कहते हैं वैसा कर दो। जी सर। लड़की को छोड़ दो। छोड़िए चावल का बना। इंस्पेक्टर साहब लॉकअप का दरवाजा खुला रखिएगा। इसको देखकर फैसला शेर बैठा हुआ। चावल खाओ। यार क्या हो गया, बात क्या है? हट जाओ। शर्म करो कमीनो, सर पर पगड़ी बांध कर समझते हैं कि इज्जत का ताज पहन लिया? कायर हो तुम लोग, कायर। दौलत तो ढेर सारी छोड़ गए मगर इज्जत मुट्ठी भर नहीं छोड़ी। अरे इस गांव के लोग जितना मान सम्मान आदर सत्कार उस
भानु प्रताप का करते हैं, मेरा चुटकी भर भी नहीं करते। मानो जैसे इज्जत का काल पड़ गया हो मेरे लिए। अरे मेरे वो बेइज्जतदार पुरखो, तुम लोगों की नाकाबिलियत की वजह से आज मुझे जेल भी जाना पड़ा। शर्म आती है मुझे कि आज तक मैं तुम जैसे खोखले ठाकुरों का फकर करता रहा। अच्छा हुआ मर गए तुम, बच के मर जाना वरना आज मेरे हाथों मारे जाते। देखना जो काम तुम नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। उस सूर्यवंश का सूर्य सदा के लिए अस्त कर दूंगा। भाई ये ठाकुर जी की तो पहुंच बहुत मतलब बड़ी है। एसपी तक को भी फोन लग गया और वो जो इंस्पेक्टर था उसकी आंखें खुली रह गई और देख रहा था कि भाई ये बड़ा कानून जानते हैं, हर चीज़ में वो जवाब दे रहे हैं। जो भी उन्होंने गलती की कि औरत को जो जेल में डालते हैं वहाँ पर तो औरत ही होती है, जनानियाँ जो होती हैं वो तलाशी रहती है और जेल में डालते हैं, पर आपने तो वो सारा कुछ नहीं किया और हमें कानून पढ़ाते हो। तो भाई ये बड़ा मजा आ गया ये सीन देखकर। और वो जो ठाकुर है दूसरा वाला ठाकुर, वो बोलता है मेरी इतनी भी इज्जत नहीं होती जो इतनी इसकी इज्जत होती है। तो ये गांव में इस तरह की यार हो जाती है थोड़ी बहुत, और गलत किया लड़की के साथ, बस बड़े लोग हैं भाई ये हो जाती हैं हमसे ऐसी हरकतें, हम क्या कह सकते हैं। गलतियाँ हो सकती है, मगर वो ठाकुर भानु प्रताप भी बड़ी बात है ना, वो भी शेर की तरह लग रहा था। फैसला ऐसा कर दिया उसका भी, उस गुंडे की भी आंखें की आंखें खुली रह गई। और पुलिस वाला वो दाल खा रहा था मसूर की और देसी की, हाँ वही मिल गया उसको। भानु ठाकुर भानु प्रताप ने उसको बेसा सिखा दिया सबक, वो भी याद आ गया। वो अपने आप में भाई करोटे, वो आप उससे कैसे बात करें। और जिससे ये ठाकुर ने भाई ऐसे उससे बात की ना, आपने जो उसूल बताया कि भाई ये क्या है, आपको लड़की को महिला पुलिस ऑफिसर वो गिरफ्तार कर सकती है और अदालत में 24 घंटे में आप उसको पेश किया जाता है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया भाई। वो पुलिस वाला खामोश हो गया, भाई साहब ये मुझे, मैं इसको पढ़ा रहा था, मैं पढ़ लेकर पुलिस ऑफिसर बनाऊँ, ये गाँव वाला मुझे क्या पढ़ा रहा है। पर जैसे ठाकुर ने भाई उससे बात की ना, भाई पूरा हिला दिया, हमें भी भाई पूरा डर लग रहा था क्या बात है भाई, पुलिस वाला कैसे खामोश हो गया। भाई ठाकुर का जो फैसला था ना वो सच वाला था फैसला, उसको जेल में बंद करवा दिया, फिर वो अपने ही पुरखों पर गोलियां चला रहा था। ये कौन सा ठाकुर है, ये खोखले ठाकुर हो तुम, अगर तुम होते मरजानिया में तुम्हें ही मार डेलता भाई। ये तो गजब सही बात है, बस उसको लगता है भाई ये मेरे पुरखों ने कुछ किया ही नहीं तो आज गाँव वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते। तो मज़ा आ गया यार सूर्यवंशम का ये सीन भी देखकर, और उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।